वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो भाई आपको एक और क्रिकेट स्पेशल वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमेशा की तरह यही कहूँगा कि सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कॉमेंट कर लें, शेयर कर लें। जैसा कि आपको पता है एशिया कप बिल्कुल शुरू होने वाला है, चंद घंटे अब बचे, यानी पूरा दिन भी नहीं बचा है एशिया कप शुरू होने में। और मैच पहला पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान है, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनेगी और आएगी। लेकिन अभी हम फ़िलहाल बात करने आए हैं, जैसा कि सबको पता है कि पाकिस्तान ने अपनी ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की जर्सी अनाउंस कर दी, यानी रिवील कर दी है। मतलब ये बहुत सालों में पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि इतना माशाल्लाह कॉन्फिडेंस देखा गया है क्रिकेट कमेटी की जानिब से, बोर्ड की जानिब से, कि वक्त से पहले मतलब चीज़ अनाउंस कर दी गई है। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी शर्ट बनाई गई है, बहुत अच्छी किट बनाई गई है पाकिस्तान की, और बहुत ज़बरदस्त बनाई गई है। जो कि वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में 5 अक्टूबर से शुरू है, तो उसके लिए बाकायदा किट का अनाउंस कर दिया। और जहाँ तक मेरे इल्म में है, मेरे जहाँ तक नॉलेज है, कि पाकिस्तान पहली कंट्री है कि जिसने अपनी सबसे पहले किट रिवील करी है वर्ल्ड कप 2023 की। तो अब बात करनी ये है कि पाकिस्तान की टी शर्ट जो मतलब किट है कैसी है, क्या है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की किट में लेफ़्ट साइड पे हट के पास स्टार बना हुआ है और स्टार के ऊपर झंडा है, और झंडे के दरमियान में बीच में एक छोटा सा स्टार है। तो ये स्टार उस चीज़ की पहचान है कि कौन सी टीम कितने वर्ल्ड कप जीती है, यानी अगर कोई टीम वर्ल्ड कप जीती होगी तो उसके पास ये मतलब स्टार होगा। तो पाकिस्तान यकीनन 1992 का वर्ल्ड कप जीता है, तो पाकिस्तान के पास एक स्टार होगा, पाकिस्तान एक वर्ल्ड कप जीता है। तो वो पहले मेन स्टार आया जो लोगों है पाकिस्तान का, फिर एक स्टार वर्ल्ड कप का, फिर ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग आ गया। और शर्ट का डिज़ाइन भी बहुत प्यारा बनाया गया है, आपको मेरे मोबाइल में इस वक्त मेरे पास है, और यकीनन स्क्रीन पर आपके पास भी आ रहा होगा। ये इसमें जो लाइंस दी गई हैं बहुत ज़बरदस्त, मतलब ना एक टेक्सचर दिया गया है, और बहुत प्यारा और एक बहुत डिसेंट कलर बनाया गया, मतलब बहुत ज़बरदस्त लग रही है ये ना किट। और स्पॉन्सर्ड भी बहुत जारी से बनाया गया है कि मेन जो है ना आगे वो स्पॉन्सर वगैरह का चक्कर नहीं पाला, जिससे शर्ट की लुक ख़राब हो। सिर्फ लेफ़्ट साइड वाली स्लिप पे साइड में जो है मतलब स्पॉन्सर्ड का दिया है पेप्सी का, बाकी अदरवाइज़ इन्होंने इस चीज़ का ही बहुत ख्याल रखा है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे हमने हाल फिलहाल में इंडिया की जर्सी देखी है कि इंडिया ने जर्सी बहुत अच्छी बनाई, एडिडास की तरफ से बनाई गई, मतलब बहुत प्यारी, बहुत नेक्स्ट लेवल काम हुआ। लेकिन वो बीच में उन्होंने अपने नाम की जगह इतना बड़ा ड्रीम 11 लिख दिया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हज़ारों करोड़ मिल रहे थे तो लिख दिया। लेकिन यकीनन देखा जाए तो वो उससे इंडियन जर्सी की लुक बिल्कुल ख़राब हो गई है, पर हाँ एक तरफ पैसा उनको बहुत मिल रहा है, तो वो वाली बात है बस। लेकिन यार ये जर्सी बहुत नो डाउट बहुत अच्छी बनाई है, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर भी ऐसे पूरी लाइंस दी गई हैं इसमें, अच्छा लाइंस भी ऐसे नहीं, पहले डार्क कलर है, फिर वो थोड़ा लाइट हुआ, फिर और लाइट हो गया, ऐसे ही नीचे बनाई गई हैं ये पूरी। यहाँ पर पूरा ही स्टार नो, मतलब स्टार को ऐसा बनाया गया है कि स्टार पूरा बैक तक जा रहा है। ये देखें ये ऐसे बना, स्टार बनता है ना, तो स्टार को पूरा जो है वो शर्ट पे ले आए, और फिर वो स्टार खुल गया, और फिर बीच में पाकिस्तान आ गया, वर्ल्ड कप का लोगो आ गया, और ये तमाम चीज़ें आ गई। तो बहरहाल बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो किट इन्होंने बनाई है। तो मैंने कहा जब किट रिवील होगा ये तो कुछ बात किट के ऊपर कर लेनी चाहिए, करनी चाहिए। पाकिस्तान ने जो है वो इसकी पूरी तकरीब रखी थी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जिस वक्त करंट चेयरमैन है ज़ाकिर अशरफ, उन्होंने इसको मतलब रिवील किया था, और इसकी सेल भी स्टार्ट हो चुकी है जर्सी की। यानी अब इस साल ये बहुत सालों बाद रखा जाएगा, एक तो वर्ल्ड कप सब कॉन्टिनेंट में, फिर इंडिया में, तो यकीनन पाकिस्तानियों की भी बहुत एक कोशिश होगी कि इंडिया जा सके, क्योंकि इंडिया जाहिर सी बात है अब वर्ल्ड कप की आड़ में लोग जाएंगे, और इंडियन गवर्नमेंट को जो है वो वीज़ा देना भी पड़ेंगे, तो उस हिसाब से अब लोग जाएँगे तो यकीनन वो ये नई जर्सी परचेज कर सके, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप में एक महीने से भी ज़्यादा है ऑलमोस्ट, तो भी लोगों के पास टाइम है, लोग चीज़ें फिर परचेज़ करेंगे। इससे मतलब बहुत अच्छी एक प्लानिंग रही है इस दफ़ा हर चीज़ में, आपने देखा होगा। तो बहरहाल उम्मीद है और लगता ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट अब अच्छे दौर में आ गई, और इंशाल्लाह और तरक्की करेगा क्रिकेट पाकिस्तान का। तो ये सब चीज़ें और बहुत अच्छी एक ना सेरेमनी बनाई गई, और इस जर्सी को नाम भी दिया गया है, इस जर्सी का नाम रखा गया है स्टार नेशन जर्सी 23। क्या नाम दिया गया है? स्टार नेशन जर्सी 23, यानी एक सितारे तले पूरी ये नेशन है, पूरी कौम है, तो पूरी कौम की ये जर्सी है। और बहुत ज़बरदस्त जर्सी है, और इसकी बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है,
आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट है pcb.shop.pcb.com.pk, दोबारा वेबसाइट बता रहा हूँ shop.pcb.com.pk, आप वहाँ जाके ऑर्डर अपना परचेस कर सकते हैं। तो आपका ऑर्डर ही परचेस हो जाएगा और आपको शर्ट भी मिल जाएगी और वर्ल्ड कप करीब करीब है तो आप वर्ल्ड कप को इन्जॉय भी कर सकेंगे। इसके प्राइस भी अगर पीसीबी ने रिवील कर देंगे तो मैं आपको भी कोट कर दूंगा अभी, लेकिन यह है कि अभी हम बात शर्ट की कर रहे हैं तो यार बहुत मतलब क्लास की शर्ट बनाई है ना। फिर डार्क ग्रीन का उस पर आपने टेक्सचर दिया, जैसे आपका इससे पहले वाले वर्ल्ड कप में भी डार्क ग्रीन ही था, लेकिन फिर आपने डार्क ग्रीन देखे उसके ऊपर लाइट लाइट सा जो है ना आपने चीज़ों को हाईलाइट कर दिया, स्टार को पूरा खोल दिया, तो मतलब बहुत ज़बरदस्त आपने जो है वो बनाया है। अब की जो जर्सी है, अगर इस जर्सी को आप रैंपर की सूरत में लेंगे बच्चों के लिए, जैसे बच्चे होते हैं, तो 2700 रुपये की है, 2700। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ शर्ट लेंगे तो शर्ट के प्राइस जो है वो 3500 रुपये ऑफिशियल। मतलब अगर आप पीसीबी से लेंगे जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल मर्चेंडाइज है, एक तो होती है लोकल, अब ये अनाउंस हो गई है तो अब आपको ये मार्केट में मिलने लग जाएगी 500, 1000, 800 में, तो वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी, ये ओरिजिनल अच्छे कपड़े में बिल्कुल, जो वो ये वो होगी जो क्रिकेटर्स खुद पहनते हैं, तो वो जर्सी 3500 रुपये की है। और इसी के साथ कैप 1600 रुपये का है और ट्रेनिंग किट जो है वो है आपकी वो भी 3500 रुपये की है ट्रेनिंग शर्ट। और इसके साथ साथ जो आपकी जैकेट होती है, मतलब ना सर्दी अगर हो तो जैकेट वगैरह खिलाड़ी पहनते हैं, तो वो 5500 रुपये की, यानी सारे प्राइस जो है ना ये वेबसाइट पे आ गए और आप इसको यहीं पे प्री ऑर्डर कर सकते हैं। बच्चों के लिए बकायदा रैंपर भी है तो ये 2700 रुपये का है और ये भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहरहाल ट्रैवल शर्ट भी है वो 3750 रुपये की है। तो पाकिस्तान ने इस वक्त बहुत अच्छा इस बार मतलब चीज़ों का डील किया है और ये स्टार नेशन जर्सी बनाई और फिर अच्छी बनाई और वक्त से पहले अनाउंस करी, तो अच्छा लगा। बहरहाल आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लिएगा, अभी आगे मज़ीद एक दो वीडियोस आने वाली हैं क्योंकि अब चंद घंटे हैं पाकिस्तान वर्सेज नेपाल के मैच में और पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 भी अनाउंस कर चुका है, तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो आएगी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Should be out, should be the end of Darcy Shore.